थैंक यू रश्मि दी, वेलकम। बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सो थैंक यू। मच। सभी को फिर से स्वागत है आत्म जागृति में। आज ट्यूसडे गीता ज्ञान का सत्र। इंदु जी हमारे साथ है। इंदु जी, इतने सुंदर ध्यान के बाद चलिए अब गीता के बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल, जानिए प्लीज, बहुत आप। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आत्म जागृति परिवार से जुड़े सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन और ब्रह्म वंदन। तो पिछले सप्ताह जैसे कि हमने कराई है, आठवां अध्याय हमारा चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोग बताएं कोई जल्दी से कि इस अध्याय का नाम क्या है, बिना देखे जल्दी से कौन बताएगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। इस आठवां अध्याय जो हमारा चल रहा है, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, है ना? तो ये हमने प्रारंभ किया था पिछले सप्ताह, और हमने 6 श्लोकों का पठन पाठन किया था। तो इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि अर्जुन ने 6 प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न वास्तव में किए थे। 6 अक्षरों को तो उन्होंने जानना चाहा था, शब्दों को, कि मैं हे ईश्वर मैं जानना चाहता हूँ, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि जो अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, जो आपके ही आपको ही पाना चाहते हैं, वो किस रूप में और किस प्रकार आपको जानते हैं, ये भी आप मुझे बताएं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है अब श्री कृष्ण उनको आगे के श्लोकों में दे रहे हैं। तो आज हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो योगराज जी शंख बजाने के लिए मेरे ख्याल तैयार होंगे। बिल्कुल जी, हम तैयार हैं। भगवान हाँ आपका स्वागत है। जी, श्री हाथ जोड़ लें, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। हाँ जी, हाँ जी, 7वां श्लोक आप पढ़े। सातवें श्लोक अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ जी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च युद्ध मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्धि अशंसय हाँ जी संशय। असंशयम। तो हाँ जी, ये 7वां श्लोक यहाँ पर है, यहाँ से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम वैशस्य संशयम्। इसलिए का मतलब है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करें हम। तो सबसे पहले आया सर्वेशु कालेशु। सर्वेशु कालेशु का मतलब क्या है? हर समय, हर समय माम अनुस्मरय, मेरा स्मरण करो। युद्ध च, और युद्ध भी करो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक समय हमको ये नहीं है कि हम कुछ समय जैसे निर्धारित कर लें कि जी हमको 1 घंटा ही उसका स्मरण करना है, बाकी समय हम जो मर्जी करते रहे अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं सर्व कालेषु, हर समय ही मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि देखो, हर समय तो हम कोई काम जो होते हैं निश्चित समय में थोड़े समय के लिए ही करते हैं। जो भी हम काम शुरू करते हैं उसका अंत होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे, अपने ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सो रहे, सोने का हमारा समय है, जागने का हमारा समय है, सब चीजों का समय है। ऐसे ही और युद्ध का भी है कि शुरू होगा और फिर जो सायंकाल में उनका समाप्त होगा। लेकिन जो उन्होंने कह रहे कि हर समय, प्रत्येक समय, जिस समय भी है, सभी समय मेरा स्मरण करो, सब जगह मुझे याद करो।
ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ समय आपने करा और बाकी समय नहीं करा। हर समय जो भी काम आप करते जा रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें को है जो भी भगवान को समर्पित करके वो काम करो। हर एक समय उसको याद रखो कि मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ, मैं कर्तापन मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं करता नहीं हूँ। जो भी भगवान मुझसे करवाना चाह रहे हैं मैं उसको कर रहा हूँ। और जो भी काम अगर हम देखें कि जो भी काम हम भगवान को मान के करेंगे, भगवान को अर्पित करने का सोच के करेंगे, तो काम जो है वो कभी भी क्या होगा, गलत होगा ही नहीं, है ना। तो हमको ये मन में उसका स्मरण करना है, हमको हमेशा ही मन में स्मरण रखना है कि जो भगवान है वो करने वाला वो ही है। और देखो कबीर दास जी का एक दोहा भी आया था ना, माला फेर जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, है ना। जब हम मन से उसको स्मरण करेंगे सारा समय, तो हमारी जो पूजा हमको जिसको कहते हैं वो सफल होगी। हम तब उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकेंगे जब हम हर एक समय उसका ध्यान करते हैं। और युद्ध चा अब युद्ध तो सिर्फ थोड़े समय के लिए वो भगवान उसको कह रहे हैं, क्योंकि उस समय उस अर्जुन का कर्तव्य क्या है, वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि युद्ध कर। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं, हम सारा टाइम तो कोई युद्ध क्षेत्र में जाके युद्ध नहीं करते ना। लेकिन हमारा क्या है, जीवन भी है, क्या है, ऊंचाइयां निचाई सब आते रहते हैं, सुख दुख सब तरह के हमारे जो है परिस्थितियां आती रहती हैं। तो उनमें से भी हमको उस ऐसा समझना चाहिए इसका भाव कि चाहे सुख हो दुख हो, सब जगह हम सब समय हमको क्या है, भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुख में हम हाय हाय करने लगे तो तब कर ले भगवान का स्मरण, और सुख आए तो हम भूल ही जाए, ऐसे नहीं है। सर्व कालेशु का मतलब ये है कि सारा समय ही हमको उसका ध्यान करना चाहिए, उसका हमको सारा टाइम याद करना चाहिए। तो अगली पंक्ति में आया है मई अर्पित मनोबुद्धि। तो अब यहाँ पर ये क्या बात आ रही है कि मई अर्पित मनोबुद्धि, जो मनो मन और बुद्धि है उसको भी मई मतलब मुझको अर्पित करो, मेरे में ही लगाओ। मन और बुद्धि को भी साधारण अर्थों में क्या है इसका अर्थ कि मन और बुद्धि को मेरे ही तरफ लगाओ। क्योंकि मन क्या है, मन तो इंद्रियां जो हमारी हैं वो क्या है, मन को अपनी तरफ खींचती रहती है, और कभी कभी बुद्धि को भी, बुद्धि हरण भी हो जाता है ना, मन की तरफ बुद्धि भी चल पड़ती है। तो वो ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों को मेरी तरफ लगाओ, इनको अपना ना मानो, उनको ऐसा समझो कि ये ब्रह्म के ही है, ब्रह्म के द्वारा ही हमको, देखो हमारा जो शरीर भी बना है वो किसका बना है, अपरा प्रकृति, पहले भी आया था, ये शरीर को बनाने वाले भी भगवान ही है, और जो परा प्रकृति जो हमारे अंदर आत्मा है जो, वो भी भगवान की है। तो हमको ऐसे ही समझना चाहिए कि हमको शरीर की तरफ नहीं समझना, हमको इंद्रियों के वश में नहीं होना, बल्कि इंद्रियों को, मन और बुद्धि को भी अपने वश में करना है, बुद्धि को भी हमको क्या है, विवेक के द्वारा अपने वश में करना है। तो यही यहाँ पर हमको वास्तव में भाव आ रहा है कि जो मनुष्य जो है मन और बुद्धि को दोनों को मेरे को अर्पित करता है, वो उसका संबंध मेरे से बन जाता है, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और आगे क्या है, माम एव ऐश्यसी असंशयम्। और इसमें क्या है, ऐसा जो मन और बुद्धि को मेरे को अर्पण करता है वो एव ऐश्यसी, वो मुझे ही प्राप्त होगा असंशयम्, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ऐसा करेगा, जिसकी सारी इंद्रियां, सारा मन और बुद्धि जो मेरे में ही लगा हुआ है, जो सब काल में मेरा ही स्मरण करता है, मुझे ही आगे रखता है, मुझसे समर्पित करके जो भी काम करता है, जो निष्काम भाव से काम कर रहा है, जिसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, और लोकार्थ वो कर रहा है, लोगों के भले के लिए कर रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो मनुष्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वह मुझे ही प्राप्त होगा। और वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्म तो नित्य प्राप्ति है ना, भगवान तो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम क्या है, हम शरीर को और संसार को अपना मान लेते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं, और तभी हम विचलित हो जाते हैं, तभी हमको भगवान, हमको ऐसे लगते हैं कि वो बहुत दूर है, हमको तो ये उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा तब हमको भगवान प्राप्त होंगे। लेकिन वास्तव में क्या है, अगर हम सारा टाइम ही उसको याद करते हैं, सारा टाइम ऐसे ही सोचते हैं कि भ्रम तो हमारे अंदर ही है, हमको पाना तो उसको पड़ेगा ना, जो हम बाहर की चीज होगी उसको हम पाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि भ्रम तो हमारे अंदर ही है, और
उस सब कुछ हम जो भी काम कर रहे हैं उसको अर्पित करके कर रहे हैं, तो फिर हम क्या होगा, हम अपने आप ही भ्रम में लीन हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि जो भी मेरा स्मरण नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसको मुझे प्राप्त करना कोई भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। और जो जो क्योंकि सारा टाइम जो मुझे याद करेगा वो क्या होगा, जब उसका अंत समय आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी भी बातें जितनी आ रही हैं इन श्लोकों में क्या आ रही है कि अंत समय में जो होगा, देखिए हमने इससे पहले के श्लोक में भी यही सुना था पढ़ा था ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न्यास्तथ संशय। इसमें कोई संशय, उसमें भी यही बात आई थी और यहाँ पर भी असंशयम, यहाँ पर भी वही बात वो रिपीट कर रहे हैं कि इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि अंत काल में जो मुझे याद करता है, जो मेरा स्मरण करता है तो वो मुझे प्राप्त होगा। और उसी को उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि अंतकाल तो किसी ने देखा नहीं है, तो अंतकाल क्या है, तो सारा समय अगर तुम मुझे याद करोगे तो अंतकाल में भी तुम मुझे याद करोगे और मुझे ही प्राप्त होगे। तो ये इस श्लोक का सार है। तो अगला श्लोक लेते हैं, आठवां नंबर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुश्चित्स्यन्। हाँ जी, तो ये बहुत ही अच्छा दो शब्द, पहले अभ्यास और योग के शब्द बहुत ही अच्छे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। तो अभ्यास और योग ये दो शब्द यहाँ पर आए हैं कि अभ्यास क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभ्यास को क्या कहते हैं, जो बार बार हम एक ही चीज को बार बार क्या होता है, रिपीट करते हैं। हमने जीवन में भी देखा है ना कि रिपीटेशन से ही हमको क्या होता है, याद हो जाता है। कोई भी चीज हम बार बार वही काम करते हैं तो हमको याद हो जाता है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। एक पत्थर की सिल पे भी अगर अभ्यास के द्वारा जब हम रस्सी आती जाती है, कुएं का एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसी तरह जब हम अभ्यास करते रहेंगे, रोज हम भगवान को याद करते रहेंगे, रोज हम ध्यान करते रहेंगे, तो क्या होगा, उस अभ्यास से क्या होगा, हमारी जो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी। हमारा मन जो है संसार में जो भटकता रहता है, इंद्रियों के विषयों में भटकता रहता है, वो वहां से क्या हो जाएगा, अपने आप से अंदर अंतर्मुखी हो जाएगा। अपने आप से हमारा क्या हो जाएगा, भगवान की तरफ जो है लग जाएगा। तो इसी को क्या कहा गया था, इसी को हमने देखा था दूसरे अध्याय के 48 नंबर श्लोक में भी, समत्वम योग उच्चते। इसी को कहा गया था कि यही वास्तव में योग है, उसके उसके प्राप्त करने का समहित में, मतलब जिसका चित्त में है परमात्मा, यही योग है। समाहित चित्त वाला योगी जो है वो परमात्मा को जो है प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार और इसका हमने ये भी एग्जाम्पल देखते कि अभ्यास द्वारा, और जैसे जैसे नदियां होती हैं वो सागर में चल रही हैं, तो उनके रास्ते में कितनी कठिनाइयां आती हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, पत्थर मिट्टी सब कुछ पड़ती है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, समुद्र में जाकर एक रूप हो जाना है ना, सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष भी है, उनके ऊपर कोई भी मान अपमान शुभ अशुभ जो भी कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं, वो उन सब से उठकर क्या होते हैं, उनका क्या है, लक्ष्य क्या है, परमात्मा के साथ एक रूप होना, ब्रह्म के साथ एक रूप होना, सुपर कॉन्शियसनेस को में लीन हो जाना, ये उनका लक्ष्य है। तो वो क्या है, वो कुछ भी रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, अभ्यास के द्वारा उनका ऐसा हो जाता है कि वो रुकावटें उनको रुकावटें ही नहीं लगती, और वो योग की तरफ, ब्रह्म को पाने की तरफ वो क्या है, चलते ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर आया है, अभ्यास योग युक्तेन, जो अभ्यास और योग से युक्त हैं, ऐसे जो लोग हैं, चेतसा नान्य गामिना। अब चेतसा क्या है, जो चित्त से, चेतसा मतलब चित्त से, ना अन्य गामिना, किसी अन्य का चिंतन नहीं करते, यानी कि जिसका चित्त जो है उसका हमेशा भगवान की तरफ ही चित्त लगा हुआ है, वो किसी और दूसरे का चिंतन नहीं करता है, जो संसार में लिप्त नहीं है, जो संसार की तरफ नहीं जाता और केवल भगवान का ही ध्यान करता है, ऐसा चित्त जो अन्य की चिंतन नहीं करता है, ऐसे चित्त वाला जो व्यक्ति है वो। फिर आगे है, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतन।
तो कह रहे हैं परम पुरुषी दिव्य याति जो पार्थ हे पार्थ, वो कह रहे हैं हे अर्जुन, जो ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो के मेरा ही चिंतन करता है, जिसके चित्त में केवल मैं ही हूँ, है ना, और जो अभ्यास भी कर रहा है, जो मेरे से जुड़ना भी चाहता है, ऐसा लोग, ऐसा जो चित्त है वो दिव्य पुरुष को, परम पुरुष अर्थात दिव्य पुरुष जो है, जो बहुत ही दिव्य है, उसको, यानी कि सगुण निराकार जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसको ही वो प्राप्त होता है। तो कई लोग यहाँ पर ऐसे सोचते हैं ना कि जैसे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारी क्या है, भ्रांति है ना, ये होगा। हम तो अंतिम समय की तैयारी में अगर अभी से ही लग जाए तो हमको यहीं पे ही है। अगर हमारी संसार से विरक्ति हो गई, हमको योग में, हम ध्यान में आ गए, तो हमारा अभी से ही क्या है, हम अभी से ही मुक्त हैं, है ना। हमारी संसारिक पदार्थों में तो आसक्ति है नहीं, तो अंत समय भी क्या हो गए, हम अनासक्ति रहेंगे, हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी, तो हम क्या ईश्वरत्व को अपने आप से ही क्या होगा, प्राप्त कर लेंगे। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। तो अगला श्लोक लेते हैं हम। अब आगे के श्लोक में उन्होंने बताया कि ऐसा कौन सा पुरुष है, ऐसा उसमें क्या है पुरुष की, यहाँ पर देखिए हमको पुरुष और प्रकृति दो चीजों का हमको पता है ना, एक तो पुरुष है जिसने की बनाया है सब कुछ, और प्रकृति है जिस पुरुष के द्वारा जो सारा भी संसार, जितनी सृष्टि, हम लोग, सारा कुछ जो कुछ भी बना है, जिसके उसके द्वारा बना गया है। तो दो बातें हैं। तो आप वो कह रहे हैं कि किसको प्राप्त हुए, उसकी भी तो क्वालिटीज हमको बताना चाहिए जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये अगले श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं, 9 नंबर श्लोक लेंगे। हाँ 9 नंबर है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुसरमृत यह सर्वेय धातारम अनिश्चते रूपम आदित्यवर्णम तत्सह परस्तात। हाँ जी, बहुत लंबा है। कविम पुराण मनुष्य मनुषासितारम अमर अनोरम्याम समुद्रे द्या सर्वस्य धातार चिंत्य रूपम आदित्य वर्णतम सप्रस्तात। तो यहाँ पर उस पुरुष, परम पुरुष, ये अभी बात आई ना कि वो परम पुरुष को प्राप्त होता है। हमने पहले श्लोक के एंड के उसने क्या करा, परम पुरुष दिव्यम याति पार्थानु चिंतन, जो मेरा चिंतन करता है वो परम पुरुष, दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर परम पुरुष की बात के बात आ रही है कि वो कैसा है परम पुरुष। तो सबसे पहले इसका शब्दों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कविम, कविम यहाँ पर किसको कहा गया है, जो कि सारे सभी प्राणियों के जो कर्म सब कुछ जानने वाला है, सभी प्राणियों के बारे में वो पुरुष है, वो सब कुछ जानने वाला है, उसको यहाँ पे कविम कहा गया है। और वो सब कुछ जानता है तो क्या जानता है, वो सभी पुरुषों के जो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके कर्मों को भी जानता है। वो जो परमात्मा है वो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है, यानी कि जो सर्वज्ञ है उसको यहाँ पे कविम कहा गया है। और उसके बाद है पुराणम, पुराणम मतलब जो बहुत पुरातन है, जो बहुत पुराना है, जिसका कोई आदि है ही नहीं, हमको ये पता ही नहीं है कि वो कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये हमको, वो तो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। जो हम सुपर कॉन्शियसनेस को भी, चेतना को हम क्या मानते हैं कि वो चेतना तो हर एक समय थी, हर एक जगह है और हर समय रहेगी भी, हमारे अंदर भी चेतना है और हमारे बाहर भी चेतना है ना। तो उसी की बात यहाँ पर आ रही है, पुराणम वो जो कि जिसका कोई भी आदि अनादि है ही नहीं, ना तो आदि है ना अंत है, वो बहुत पुराना है। तो ये यहाँ पे आया है। उसके बाद आया है अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब जो अनुशासन में काम करता है, जो जिसका, जैसे हम देखते हैं ना प्रकृति में सब कुछ कितना अनुशासित है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं है, सूरज ने इतने बजे उगना है चाहे वो हमको दिखाई दे या ना दे, लेकिन सूरज उतने बजे ही उगता है ना, और उतने बजे ही हम अस्त होते हैं। इसी तरह प्रकृति में जैसे हम देखते हैं कि कितने सालों पहले, क्या हमेशा के लिए भी ये पता चल जाता है कि चंद्र ग्रहण तब लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा या जो भी। और इसी तरह हम देखते हैं रोज की रूटीन में, मौसम एक के बाद जैसे आ रहे हैं कि अब सर्दी का मौसम आएगा, अब ये वाली ऋतु आएगी, इसके बाद वसंत आएगा,
मतलब ऐसे सब कुछ, सारी प्रकृति जो पुरुष के द्वारा बनाई गई है वो कैसी है, बिल्कुल अनुशासित है, बिल्कुल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है ना। तो इसी तरह जो है हमारे सेल्फ पे भी अनुशासन किसका है, उसका ही अनुशासन होना चाहिए, उसकी जो बनाए गए नियम है उसके द्वारा ही हमको उसमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो और दूसरा एक ये भी भाव है कि उनके जो परमात्मा ने जब हमारे कर्मों के अनुसार ही वो क्या करते हैं, उसमें इतना अनुशासन है कि वो इतना न्यायप्रिय है कि बिल्कुल जो हमारे कर्मों के अनुसार ही है उसको ही वैसा ही फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत अच्छे कर्म करे तो उसको खराब फल मिलेगा और जिसने बहुत खराब करे तो उसको बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। उसके मतलब कहते हैं ना उसके दरबार में सब कुछ कर्मों के अनुसार है, क्योंकि वो उसको तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। वो तो उसका तो कोई स्वार्थ है नहीं कि वो किसी को अपने पास से बहुत खुश हो गया तो अपने पास से अच्छा फल दे दे। ये तो हमारा जो कुछ भी हमको फल मिलता है हमारे क्या मिलता है, कर्मों के अनुसार मिलता है ना। तो ये हमको है कि वो तो बिल्कुल जो क्या है, कैसा परम पुरुष है वो बिल्कुल अनुशासित है, जो बिल्कुल भी अनुशासन में चलता है और दूसरे के कर्मों को भी अनुशासन में के द्वारा ही जो है काम किया जाता है उसके द्वारा। तो ऐसा अनुशासन वाला जो है परम पुरुष जो है। तो आगे इसमें आया है अनुरणियासम। अब अनु का मतलब क्या होता है, अनु मतलब जो एटम, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना जिसको एटम, रणियासम उससे भी सूक्ष्म है, जो अनु है उससे भी सूक्ष्म है वो परमात्मा, उस परम पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है। तो साइंस में जैसे अगर हम देखो, छोटी क्लासेस में हमने भी पढ़ा है साइंस में, जिसने पढ़ा होगा कि एटम को सबसे स्मॉल यूनिट मानते थे कि जो भी जितने भी सब कुछ है उसका सबसे स्मॉल जो यूनिट है वो क्या है, वो एटम है, अणु है, और उससे छोटा कोई नहीं है। जैसे हम कहते भी थे ना कि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, कण कण में का मतलब ये था कि बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज में भी भगवान विराजमान है। तो लेकिन अब तो और भी ज्यादा साइंस ने जैसे तरक्की कर ली, तो अब साइंस के द्वारा हम और भी क्या, हमने एटम को भी विभाजित कर लिया, एटम को भी हमने देखो प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में विभाजित कर लिया, और अब तो उससे भी एडवांस जो साइंस आ गई उसमें क्या है, क्वांटम एनर्जी आ गई कि उसका भी सूक्ष्म रूप है, ऐसा सूक्ष्म रूप क्वांटम के रूप में है जिसको कि बिल्कुल और बिल्कुल डिवाइड करा ही नहीं जा सकता, और बिल्कुल जो कि ना देखा जा सकता है, कुछ भी नहीं है जो जिसको ऐसा कहा जाए कि वो कुछ भी नहीं है, इतना सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम जिसको बिल्कुल भी डिवाइड कर नहीं किया जाता और जो सब में ही प्रेजेंट है। तो ऐसा जो सूक्ष्मतम है, जो बिल्कुल ही सूक्ष्म है, ऐसा वो जो परम पुरुष है, उसको अब उसको जानने के लिए मन और बुद्धि के द्वारा तो उसको जाना ही नहीं जा सकता है ना। मन और बुद्धि के द्वारा तो हम क्या है, जो चीजें देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, इंद्रियां हमारी उसी को ग्रहण करती हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसका जो इतना सूक्ष्म रूप है उसको जाना नहीं जा सकता और उसी से सब कुछ बना भी है, तो उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, उसको हम ध्यान के द्वारा देखो जो अनुभव होते हैं हमारे, जो ध्यान के द्वारा वो कितने होते, इतने सूक्ष्म अनुभव होते हैं कि बहुत ही मतलब अविस्मरणीय अनुभव जो हम प्राप्त करते हैं, कहाँ से कहाँ भी पहुंच जाते हैं। एस्ट्रल ट्रेवलिंग भी आजकल हम देखो कितना हो गया कि करते हैं हम ध्यान के द्वारा, तो ये सब क्या है। और सोल लेवल में तो हम देखते हैं कि ये शरीर तो कुछ है ही नहीं, आत्मा का एक ही रूप है। तो ये सब हमको अब यहाँ पर उन्होंने उस समय भी ये बता दिया कि इतना जो परम पुरुष है वो अणु से भी सूक्ष्मतर है, बहुत ही सूक्ष्म है। और उसके बाद अगली उन्होंने क्या कहा है, अगला कह रहे हैं वो सर्वस्य धातारण। अब और एक तो इतना सूक्ष्म है और सर्वस्य धातारण मतलब उन्होंने क्या है, सबको धारण भी किया हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात है, उनके द्वारा बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल जो दिख भी नहीं रहा, जिसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी उन्होंने, जितने ब्रह्मांड है जितना कुछ हमको दिख रहा है उसको भी, और जो तो हमको दिख भी नहीं रहा, ये तो हम एक ही अर्थ लेवल पे ही देख रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल तो हम देख ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं पाते, तो उस सब ब्रह्मांडों को उन्होंने क्या है, धारण किया हुआ है, और धारण तो करा हुआ है चलो, और पोषण भी कर रहे हैं उन सबको, हर एक चीज को जो कोई जरूरत है वो चूज क्या है, हम
उसको मिल रही है। देखो हम अपनी कॉमन उसमें भी देखते हैं, इतने बड़े बड़े जंगल पहाड़ है ना, पहाड़ों पे कितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इतने बड़े बड़े जंगल, इतने घने जंगल, कितने छोटे से छोटे जीव जंतु, बड़े से बड़े ये एनिमल्स, कितने कितने वो है। देखो डायनासोर तक थे, कितने बड़े बड़े हमने देखे है ना। तो और कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको कोई उगाने जा रहा है क्या? पहाड़ों पे हम देखते जाके इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पे जो पेड़ लगे हुए, उनको तो कोई उगाने नहीं जा रहा। रेगिस्तान में हमको तरह तरह के जीव जंतु दिखते हैं, उनका पोषण कौन हो रहा है? ये सब क्वेश्चन उससे जो मूल चेतना है उसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, जो ब्रह्म जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा ही क्या है। तो यहाँ पर उनकी देखो वो असीम है, असीम की कहाँ यहाँ पे कैसे बात आई है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा भी है, इतना बड़ा है कि जिसने सारा कुछ ही अपने में धारण करा, और इतना सूक्ष्म है कि जो हमको दिख भी नहीं सकता, दिख ही नहीं रहा। तो ये यहाँ पे वो सारा बता रहे हैं कि उस परम पुरुष की के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आ गया है अचिंत्य रूप, जो स्वरूप चिंतन से भी, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा उसका रूप है जिसको हम उसका क्या वर्णन करें, उसके रूप का हमको क्या है, हम अपनी हमारे सोच से भी बहुत ऊपर उसका जो है ऐसा रूप है जिसका उसका। और आदित्य वर्णम, और आदित्य किसको कहते हैं? सूर्य को। तो उनका जो वर्ण है वो सूर्य के समान है। इसका मतलब ये क्या है कि वो जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश होके क्या है, सारी सृष्टि को सूर्य प्रकाश देता है, एनर्जी भी देता है। तो इसी तरह जो उनका वर्ण है, जो उनका प्रकाश है, वो सबको ही प्रकाशित करने वाला है, जो हमारी आत्मा को भी प्रकाशित कर रहा है। आत्म प्रकाश बोलते हैं ना कि हमारी आत्मा को प्रकाश हो रहा है, हमारी आत्मा का प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। तो वो उसका प्रकाश जो है वो सब जगह फैला हुआ है, ऐसा वो है जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। और उसके बाद है तमस प्रस्ताद, और तमस से परे, तमस क्या होते हैं? अंधेरा। अंधेरा क्या है वास्तव में? अंधेरा क्या है? अज्ञान का अंधेरा। यहाँ पर हम कह रहे हैं लाइट जलाने वाला अंधेरा तो है ही, हम देखो अंधेरे में भी होता है क्या, किसी तरह की भी हम ज्योति ले आते हैं, चाहे बहुत घना अंधेरा भी हो, अगर हम मोबाइल की टॉर्च जला लेते हैं या कुछ भी, तो उतने से अंधेरे से हमारे को कितना हो जाता है, रोशनी हो जाती है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि तमस प्रस्ताद, वो तमस से परे है, उसकी उसमें अंधेरा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अंधेरा यानी कि अज्ञान ही है, वो तो ज्ञान को ही देने वाला है, सब तरफ से वो ज्ञान देता है, और उसके ज्ञान के द्वारा क्या है, हमारा जो ज्ञान है वो भी हट जाता है। जब हम रोशनी करेंगे तो हम अंधेरा तो हट जाएगा ना, और जो हमको अज्ञान ने हमको ढका हुआ है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम ये मानते कि हमारे शरीर को ये कष्ट आ रहा है, हमारा शरीर मर गया, हमारा शरीर जन्म ले रहा है हमारा। लेकिन वास्तव में क्या है, हम सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन वास्तव में हम क्या है, हम शरीर तो नहीं है ना, हम तो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। तो ये सबसे बड़ा, तो इस तरह का जो ज्ञान है वो जो परम पुरुष है वो क्या है, ज्ञान से भरा हुआ है, और हमको भी सब तरह का ज्ञान उसके द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। वो जो हमारे जीवन में जितना भी प्रकाश आ रहा है उस पर ब्रह्म के द्वारा ही आ रहा है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। तो ऐसे अनुस्मरता, तो ऐसे ब्रह्म का जो स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। ये उन्होंने अपने गुणों के बारे में बताया कि जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसमें क्या क्या गुण है, तो ये इस श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया। तो अगला श्लोक लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे जो योगी होते हैं वो अपने शरीर को कैसे छोड़ते हैं, कैसे वो छोड़ते हैं कि वो एकदम से ही ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो ये अगले श्लोक में हमको बताया गया है। श्लोक नंबर 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च ध्रुवो मध्ये प्रयाण अवशे सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। हाँ जी, तो ये बताया गया कि प्रयाण काल में, प्रयाण काल मतलब अंत काल में योगी कैसे अपने शरीर को छोड़ते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव्या
भूर्वोर मध्य प्राण मावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। तो वो ब्रियान काल है, यानी मैंने बताया कि अंत काल में मनसा चलेन, मनसा चलेन मतलब जो भक्ति युक्त पुरुष होते हैं वो मन को जो क्या करते हैं, इधर उधर विचलित नहीं करते, वो मन को किधर लगा लेते हैं, वो भगवान की तरफ ही वो उसको अचल दृढ़ता पूर्वक जो है, अचलीन अचल होकर दृढ़ता पूर्वक जो है भगवान की तरफ ही अपने मन को लगाते हैं। यानी कि अपनी इंद्रियों से, वही बात है कि अपनी इंद्रियों की तरफ न चल के, विषयों की तरफ न चल के, इंद्रियों की बातों को न सुन के, उनको कंट्रोल में करके जो अपने मन को है वो किसमें स्थापित करते हैं, भगवान की तरफ ही चलाते हैं। और आगे भक्त्या युक्तो, भक्त्या युक्तो क्या है, भक्त से जो युक्त है, भक्त से युक्त किसको कहा जाता है, जो भक्त है, तो जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है उसके मन में उस समय क्या होता है, कोई भी भाव नहीं आता। जो सारा टाइम, जो हमने आगे भी पहले भी बात करी कि जो अभ्यास कर रहा है, जो योग में उतरा हुआ है, वो क्या करता है, सारा समय ही उसका अभ्यास भगवान के स्मरण में है, तो उस समय उसका और कोई भी भाव उसके नहीं आता, ऐसा उसके हृदय में भक्ति भाव ही होती है। कब, जब प्रयाण काल होता है, जब अंत काल होता है, क्योंकि उसके देखो जो भक्त होगा उसकी आसक्ति संसार में तो होगी नहीं, जो भक्त से उल्टा क्या कहते हैं उसको, कहते हैं विभक्त। विभक्त मतलब जो संसार में ही डूबा हुआ है, विभक्त है, डिवाइडेड है, विभक्त बोलते हैं ना, डिवाइडेड है, उसका आकर्षण जो है संसार की तरफ भी है और भगवान की तरफ भी है। लेकिन जो योगी है उनका तो सारा कुछ ही जो है वो भगवान की तरफ है, वो बिल्कुल संसार की तरफ से जो क्या है बिल्कुल उनकी आसक्ति है ही नहीं, कुछ भी होता रहे संसार में उनको कुछ नहीं, उनको ईश्वर के प्रति ही उनकी सारी भावनाएं, सारी भक्ति ईश्वर के प्रति है, उस तरफ ही वो चलते हैं। तो आगे यहाँ पर है, वो क्या करते हैं, भक्त्या युक्तो योग बलेन च, वो योग के बल के द्वारा। तो यहाँ पर यही बात आ रही है, जो योगी पुरुष है, जिनके में की योग का बल है, क्योंकि योगियों में जो क्या होता है, बहुत आंतरिक बल बहुत होता है। योग के द्वारा हमको क्या होता है कि ध्यान के द्वारा भी हम देखते हैं कि हमारे में एक अलग सी शक्ति आ जाती है। अब तो देखो कितना वो हो रहा है ना, कितने ऐसे भी हैं जो कि भोजन के बिना, हम हिमालय की में देखते हैं कितने संत ऐसे जो भोजन के बिना, पानी के बिना कितने सालों साल वो तपस्या में लगे हुए, वो किस तरह लगे हुए, उनके आंतरिक एक बल है ना, उनकी उसमें आंतरिक ऊर्जा उनको इतनी है कि वो उनको कुछ भी चाहिए नहीं है। तो जो योग का जिनमें बल है उनकी यहाँ पर बात आ रही है कि कोई भी उनको बाहर की बाधा उनको कोई नहीं लगती, उनमें इतनी शक्ति अंदर से ही प्राणायाम के द्वारा उनको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो बिल्कुल भगवान में ही डूबे हुए हैं। और वो फिर क्या करते हैं, भूर्वो और मध्य प्राण मावेश्य सम्यक, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको प्राणायाम का इतना अभ्यास है, जो योगी है वो ध्यान और धारणा के कारण क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने भूर्वो मध्य में प्राण लाने के लिए वो क्या करते हैं। हम आजकल ध्यान में भी देखते हैं ना कि चक्रों में बड़ा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है प्रवाहित कहाँ से हो रही है, चक्रों के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी में जो हमारे 7 चक्र हैं उनके द्वारा ही ऊर्जा हमारी ऊपर की ओर उठती है। तो सबसे पहले क्या, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, और फिर विशुद्धि चक्र, और फिर भूमध्य आता है। इसके बाद यहाँ पे भूमध्य की बात आ रही है, भूमध्य मतलब भौमों के बीच में, भौमों के मध्य भाग में जो हमारा चक्र है, जिसको कि आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, यानी कि थर्ड आई। यहाँ पे थर्ड आई की बात हो रही है कि वो जो होते हैं वो अपना उसके द्वारा अपनी जो ऊर्जा की सारा इकट्ठा जो करते हैं प्राणायाम के द्वारा, अपनी सारी ऊर्जा कहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं, थर्ड आई में कर लेते हैं। ध्यान के द्वारा भी देखिए, आजकल हमने देखा है ना कि थर्ड आई में हम अगर अपनी ऊर्जा को इकट्ठी कर लेते हैं तो हमें सारा कुछ हमको ज्ञात हो जाता है। ध्यान में जब हम उतरते हैं तो थर्ड आई के द्वारा हमको बहुत से अपने पूर्व जन्मों के बारे में और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में पता चल जाता है जो कि हमको वैसे नहीं पता चल सकता किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे उसी थर्ड आई की बात हो रही है कि प्राण जब उनका प्रयाण काल होता है, जब मन समय में योग का, क्योंकि उनमें बल है, उस योग के बल के द्वारा और मन को अचल करके अंदर ही,
तो अपनी जो प्राणायाम के द्वारा पूर्व मध्य अपनी थर्ड आई में अपने प्राणों को इकट्ठा कर लेते हैं, प्राणों को सारों को वहां पर स्थापित कर देते हैं। तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। और इस ये जो योगाभ्यास वो करती है तो इससे वो क्या करते हैं, दिव्य पुरुष पुरुष मुपैति दिव्यम, उस दिव्य रूप वाले परम पुरुष परमात्मा को वो बिल्कुल ही प्राप्त करते हैं। तो ये तो वही कर पाएगा ना जो जीवन भर जिसने योग का अभ्यास किया है और जो समर्पित है बिल्कुल, और जो योगी है जिसके पास योग का बल है, वो अंत समय में क्या करते हैं। देखो हमने देखा भी ना कई योगी क्या है, अपने आप से निर्धारित कर लेते हैं कि इस समय हमारी अंतकाल हमारा इस समय आएगा, तो उस समय ऐसे ही करते हैं वो कि अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर ये जो तीन श्लोक आए हैं 8, 9 और 10, इन तीनों श्लोकों में हमको क्या बताया है कि हमको प्राण कैसे त्यागने हैं, हमको प्राप्त परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो अंतकाल में हमें कैसे करना है। तो हम योगी तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा है कि ध्यान के द्वारा, अब क्योंकि हम सब लोग क्या है, हम लोग सब लोग ध्यानी है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको भी क्या है, ध्यान हमको बढ़ाना है। ध्यान बढ़ाएंगे तो हम भी क्या होगा, योग में ज्यादा उतरेंगे तो हम भी क्या है, थर्ड आई को अपना देख पाएंगे। पहले तो थर्ड आई के द्वारा हम ऊर्जा हम केंद्रित करके, तो इस तरह हमको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभ्यास के द्वारा, अगर हमारा ध्यान में अभ्यास होगा तो हम ये सब कर पाएंगे। तभी तो देखो कहते हैं ना कि 21 दिन का ध्यान आप जरूर कीजिए, या फिर उसके बाद कहते हैं 40 डेज का, क्यों कहते हैं, इसीलिए कि हम जब रोज रोज वो एक बात रिपीट करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम उसमें क्या होते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ता हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो अब लेते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। हाँ जी, प्रयाण काले तो हो गया ना, अभी हुआ यद क्षरम वेद विदो वदन्ति पिशन्ति यद्यो वितरांगा यदि छन्दो ब्रह्मचर्यम चरिति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवशेय। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदीच्च छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो यहाँ पर बात आई है यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, तो वेद विदो वदन्ति मतलब वेद को जानने वाले, जो वेद को जानते वो ऐसा कहते हैं कि यदक्षर अक्षरम, वो उसको अक्षर कहते हैं। ये पहले भी एक बार बात आई थी ना, जब शुरू में भी हमने ये इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भी हमने ये देखा था, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अक्षर परम ब्रह्म क्या है, अक्षर है। तो यहाँ पर यही बात दोबारा से वो कह रहे हैं कि वेद को जानने वाले, वेद विदो मतलब वेद को जानने वाले, इस अक्षर को ही क्या मानते हैं, परम पुरुष अक्षर के रूप में ही उसको देखते हैं कि उसका कभी क्षर नहीं होता, वो कभी भी जिसका विनाश नहीं होता, तो उसको अक्षर के रूप में वो देखते हैं। और विशंति यद तयो वीत रागा, तो वो कह रहे आगे कह रहे हैं, यद मतलब जो सन्यासी लोग हैं, यद तद्यो जो सन्यासी हैं, वीत रागा जिनमें कोई भी राग द्वेष नहीं है, विशंति मतलब प्रवेश करते हैं, वो कौन मेरे में प्रवेश करते हैं, जो कि सन्यासी हैं, जिन्हों को संसार से कुछ नहीं लेना सिर्फ, और जिनमें राग और द्वेष बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आई कि वेदों में तो उसको अक्षर कहा गया है, और उस परम पद को वही प्रवेश उसमें पाएगा, यानी कि परब्रह्म को वही प्राप्त कर पाएगा जो कि विरक्त है, जो आसक्ति रहित है, जिसमें कोई भी राग द्वेष नहीं है, जिसने कि जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है ना, और उसको उसका अंतःकरण जो है क्या, बिल्कुल शुद्ध हो गया है, बिल्कुल उसका निर्मल है, उसके हृदय में किसी के लिए कोई राग द्वेष वैर भाव ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है। तो उस वो जो है उसकी जो लगन जो है वो परम तत्व की तरफ ही वो उसका ध्यान जाता है सारा टाइम, और वो उसी की ओर वो प्रयत्नशील भी रहता है। देखो उस जो ध्यान में जब ध्यान में भी जब लगन लग जाती है तो हम
स्वाध्याय भी करते हैं, ध्यान भी ज्यादा ज्यादा करना चाहते हैं, और सब तरफ से संसार से धीरे धीरे क्या है विरक्त होके हमको जो दूसरे ध्यानी है उनके साथ ही बात करना अच्छा लगता है, और हम मतलब संसार से हट हट के धीरे धीरे अंतर्मुखी से होने लग जाते हैं। तो ऐसा ही जो वो है, जो ऐसा जो महापुरुष है, ऐसा जो प्रयत्नशील है, वो जो है जिसने वीत राग है, जिसने संसार से आसक्ति हटाली है, वो मुझे प्राप्त होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। और आगे है, यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, और वो क्या करते हैं, और यदि छंतो इच्छन्ते, इन छंतो मैंने उनकी इच्छा होती है किसमें, ब्रह्मचर्य चरंती, वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब ब्रह्मचर्य का यहाँ पर क्या मतलब, ब्रह्मचर्य का मतलब ये कि वो भोग बुद्धि में नहीं रहते, संसार के वस्तुओं का सिर्फ भोग ही नहीं करना चाहते, अनुशासित रहते हैं, है ना, इंद्रियों पर जिनका निरंतर है, ऐसों को यहाँ पर ब्रह्मचर्य, ब्रह्म और आचर्य, जो ब्रह्म के जो बताया गया है आचरण, उस पे आचरण करते, ये यहाँ पर ब्रह्मचर्य का आ रहा है। तो तते पदम ते संग्रहीन प्रवक्षे, तो वो लक्ष्य तते पदम, उस परम पुरुष को प्राप्त करते जो हमारा लक्ष्य है, तुम्हें इसके बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा, असंग्रहीन प्रवक्षते, मैं तुमको संक्षेप में कहूंगा, ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी है संक्षेप में कहूंगा, मतलब क्या है यहाँ पर कि वैसे तो ज्ञान देखो शास्त्रों के द्वारा और सब तरह के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट तुमको उसके बारे में सब कुछ मैं जो है बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे को, किस प्रकार परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है, कि जो निर्गुण निराकार है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये उन्होंने बताया। तो इसके अगले जो दो श्लोक है वो हम दोनों इकट्ठे लेंगे क्योंकि वो साथ साथ ही है, तो 12th और 13th। नहीं अभी तो 12-13 श्लोक लेंगे योगराज जी। अच्छा 12 और 13 इकट्ठे ले लें, ठीक है। हाँ जी वो छोटे छोटे ही हैं दोनों, फिर यह सर्व दुराणानि स्वयं मनः रिद्धि निरुद्ध्य च मूर्धिन आध्याये आत्मनं प्राणयम आश्रिति योग धारणम्। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। सर्व द्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्ध्यांध्यायात्मना प्राणम अस्तितो योग धारणम। और 13 इसके साथ है, अमित्य अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनो स्मरण य प्रियाति त्वजन निदेहम स याति पराम गतिम। तो जो 12th उसमें आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहे हैं सर्व द्वाराणि संयम। तो सर्व द्वाराणि संयम का मतलब क्या है कि सब द्वारों को वश में करके, मतलब सर्व द्वार अब किसको कहा गया यहाँ पे, यानी इंद्रियों को, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां कौन सी है हमारी, यही जो सबको पता है, आंख नाक कान मुंह त्वचा, ये सब हमारी क्या ज्ञान इंद्रियां। तो वही बात आ रही है यहाँ पर कि अंत समय में जो इंद्रियों पे संयम कर लेता है, जो ज्ञान इंद्रियां हमारी जो उनको अंदर की तरफ मोड़ लेता है, बाहर की तरफ नहीं जाने देता, उस पर कंट्रोल कर लेता है, ये यहाँ पर द्वार बंद होने की बात आ रही है। सर द्वाराणि संयम, उनपे संयम कर लेता है, उनको वश में कर लेता है, तो ये आया है। और आ गया है मनो हृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय में स्थिर कर लेता है, और मन को भी, जैसे इंद्रियां बाहर जा रही हैं तो मन को भी हमको दृढ़ करना पड़ता है कि मन पे भी हम संयम रखें कि इंद्रियां बाहर की तरफ ना जाए। तो ये ऐसे करके वो जो कर रहा है कि हृदय में निरुद्ध हो रहा है, वो बाहर की वस्तु से निरुद्ध हो रहा है। हमने चित्त में, हमने देखा था ना 5 तरह के चित्त होते हैं हमारे, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो आखिर के चित्त की स्थिति हमारी क्या है, निरुद्ध स्थिति है, जब हमारे चित्त में कुछ भी नहीं आता बाहर का, जब हमारे सब तरफ से हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं और एक शून्यता से हमारे अंतर्मुखी हो जाते हैं, हम अंदर की तरफ उतरते हैं, तो उसको यहाँ पे निरुद्ध कहा जाता है, निरुद्ध चित्त। तो वैसा अगर जब हो जाता है, सब मनोवृत्तियां जो होती हैं उन पे नियंत्रण हो जाता है, तो ऐसी जब अवस्था हो जाती है मूर्ध्या
मूर्धन्यात धात्य आत्मना, तो और ऐसे में जब वो क्या है, मूर्धन मतलब मस्तिष्क में अध्याय स्थापित करके आत्मन अपने प्राणम प्राणों को, वो अपने प्राणों को क्या है मस्तक में ले आता है। जैसे पहले भी बात आई थी ना, भूमध्य में हमने वो अपने प्राणायाम के द्वारा क्या करते हैं, भूमध्य में अपने आज्ञा चक्र में सारे प्राणों को स्थिर कर लेता है। तो ये उससे भी आगे की बात आ रही है कि जो अपने आत्मा को सहस्रार्थ में ले जाता है, ब्रह्म अर्थ में स्थिर कर लेता है। मूर्धनी मतलब बिल्कुल ही ऊपर, मस्तक से भी ऊपर जो है वहां पर स्थित कर लेता है। तो अस्थितो योग धारणम, और इस तरह वो योग धारण कर लेता है, बिल्कुल वहीं पे स्थित हो जाता है। वो सब चीजों से अपने को, जैसे कछुआ सब तरह से हटा के, हमने देखा था ना एक उदाहरण आता था, कछुआ सब इंद्रियों को अपने में, जिस तरह कछुआ सब तरफ से अपने अंगों को समेट कर अंदर कर लेता है, उसी तरह क्या है कि हम भी जो योगी होते हैं वो सब तरह से अपनी इंद्रियों को समेट कर सब द्वारों को बंद करके अपने अपने अंदर ही स्थिर हो जाता है। तो सारांश में मतलब ये है कि सब इंद्रियों का जो होते हैं अंदर मोड़ के, और वो ये हो जाता है कि अब मुझे प्राण छोड़ने ही है, अब मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना ही है, उसमें वो आ जाता है। तो अगले उसमें आया है अमित्य अक्षरम, और वो ओम इति अक्षरम, जो एक जो अक्षर है जो सबसे ऊंचा अक्षर माना जाता है, ओम का जो उच्चारण है, तो वो क्या करते हैं, माँ व्यावरण माम अनुस्मरण, वो अपने मानसिक रूप से, ऐसे नहीं कि बोल बोल के, बोलने की तो देखो स्थिति आती नहीं ना, अंत काल तो पता नहीं है, जिनको योगियों को पता है वो भी बोल के नहीं, अपने मन ही मन में मौन रह के आंखों के सब द्वारों को बंद करके, आंख कान नाक मुंह सबको, समाधि जिसको कहा जाता है कि समाधि ले ली, हम कहते हैं ना महासमाधि ले लेते हैं योगी लोग, तो क्या करते हैं सब इंद्रियों को भी हटा लेते हैं, और अंदर ही अंदर क्या है, एक अक्षर पर ब्रह्म ओम का अपना उच्चारण अपने मानसिक रूप से वो करते रहते हैं। तो आगे यह प्रयाति त्यज देहम स याति परांगतम, और इस तरह ये जो सारा कुछ ऊपर बताया गया है प्राणायाम के द्वारा, कहाँ पर उनको उन्होंने अपने प्राणों को स्थिर करना है, ये सब कुछ तो बताया गया है। ये इस तरह से जो देह को त्याग करता है, अर्थात जो ब्रह्मरंध्रमि के द्वारों के द्वारा अपना प्राणों को त्यागता है, जैसे थर्ड आज्ञा चक्र थर्ड आई के द्वारा या सहस्रार्थ के द्वारा जो अपने प्राणों का त्याग करता है, तो वो उस निराकार निर्गुण परमात्मा को, पर ब्रह्म को जो है वो प्राप्त होता है, सुपर कॉन्शियसनेस में ही वो लीन हो जाता है, जिस चेतना से आया उस चेतना में ही वो चला जाता है, फिर वो बार बार जन्म बार बार मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी कि वो मुक्त हो जाता है। तो इन श्लोकों से हमको यही पता चला है ना, सबको सब में क्या है, अपनी मृत्यु के बारे में हमको कैसे रहना है, अंतकाल हमको कैसा हो, अंतकाल में हम क्या करें, परमात्मा का स्मरण करें, वो कैसे होगा, अभ्यास के द्वारा होगा। अगर हमने पूरे जीवन भर हमने अभ्यास किया है तो ही हम क्या कर सकेंगे, अंतकाल में हम ऐसा व्यवहार कर सकेंगे, अंतकाल में भी हम उसको तभी याद कर सकेंगे, है ना। तो हमको यही करना है, निरंतर उस परम चेतना का ध्यान करते ही रहना है, ताकि हमारा जब अंतकाल आए तो हम रो के ना जाए, हम अपने उस पर ब्रह्म में ही लीन हो जाए, उसको भी हम अपनी मृत्यु को भी सेलिब्रेट करें, जैसे हमारे पूरा जीवन हम सेलिब्रेशन चाहते हैं, हम चाहते खूब अच्छे से तरह रहे, उसी तरह हमको मृत्यु का कोई डर ना हो, हम मृत्यु को भी अपना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो ये इन श्लोकों का था अर्थ थोड़ा सा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने प्रयास किया अपने शब्दों के द्वारा आपको समझाने का, धन्यवाद। हाँ जी योगराज जी। हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पे आज का ये पठन पाठन हम 13 श्लोक तक हमने लिया है, तो अगली बार हम 14 से लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गीता भैया की, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंदु जी, धन्यवाद आपका अंजु जी, बहुत बढ़िया। किसी का कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है?
हाँ जी संगीता मैम, संगीता मैम। हाँ एक्चुअली स्नेहा जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, जैसे मुझे इंदु जी से बात करनी थी, इंदु जी से मुझे कुछ शेयर करना था, कर सकती हो ना? हाँ जी हाँ इंदु जी, एक्चुअली मैंने जो आज आपका पूरा सुना ना, तो जो नटशेल जो निकलता है, जो मैं इतने टाइम से अपना सत्संग में जो समझ रही हूँ, वो आज का पूरा निचोड़ जो था ना, वो यही था जो आपने आज शेयर किया। तो मैं इसके बारे में से एक पॉइंट ही भी बोलना चाह रही हूँ कि जो लास्ट मोमेंट पे हम कैसे ईश्वर को याद करें, तो उसके लिए हम लोगों को क्या सत्संग में बताया जाता है कि जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, जो माला फेरते हैं, एक्चुअली कई लोग कहते हैं ना कि माला फेरने से क्या होता है, जब मन का ही मन का नहीं फिरा तो फिर माला का मन का फेरने से क्या फायदा। तो यही समझाया जाता है कि माला हाथ में दी ही इसीलिए जाती है कि माला छूट जाए, मतलब अगर हम किसी को डायरेक्टली कहें कि आप मंत्र जाप करो तो वो नहीं कर पाएगा, अगर हम कहेंगे आप पांच माला से स्टार्ट करो तो ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जब वो माला छूट जाती है और वो मन में मंत्र जाप चलता रहता है। जब वो मन में मंत्र जाप चलता रहता है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी जुबान भी नहीं बोलती है, मन में उसका सिमरन चलता रहता है। तो जब मन में सिमरन चलता रहता है तो वो एक प्रैक्टिस बन जाता है, जो कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके मन में वो मंत्र जाप चल रहा है। तो जब मॉर्निंग में सूरज निकलता है तो उस समय भी अंधेरा होता है और उस समय हम लोग मंत्र जाप करते हैं, ऐसे शाम के टाइम जब सूरज ढलता है तो अंधेरा होता है और उस समय हम लोगों को कुछ ऐसा रहता है कि कुछ उदासीपन सी रहती है कि हम थोड़ा सा कितना भी खुश हो, लेकिन शाम के टाइम सबने नोट किया होगा कि हम थोड़ा सा उदास सा महसूस करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम उस समय अपने रब को याद करते हैं, अपने भगवान को याद कर रहे होते हैं, तो वो भी हमें याद कर रहे होते हैं। दोनों साइड ही बात चल रही होती है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें कोई याद कर रहा है तो हमें छींक आ गई, तो ऐसा ही होता है कि शाम के टाइम थोड़ा सा हम इसलिए उदास होते हैं कि हमें हमारा भगवान भी याद कर रहा होता है। तो जब हम शाम को भी मंत्र जाप करते हैं तो ऐसे ही हमें जब प्रैक्टिस बन जाती है, तो जब हमें मृत्यु का नहीं पता कब आएगी, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उस समय हमारी आंखों के सामने अंधेरा ही होता है। तो जब जिसकी प्रैक्टिस बन जाती है ये मंत्र जाप करते करते अंदर सिमरन करने की, तो जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है तो हमारे अंदर वो सिमरन चल रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह पे या हमारे अंदर वो जाप होता है श्री कृष्ण का या हमारे जो भी भगवान है उनका मंत्र जाप होता है। तो जो ये निचोड़ आपने आज बताया है कि कैसे मृत्यु के समय हम कैसे याद करें, तो वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस बहुत पहले से ही होती है और वो एंड मोमेंट पे हमारे ना चाहते हुए भी हमारे अंदर वो चल रहा होता है। तो यही मतलब मैंने ये निचोड़ आज निकाला है कि कैसे हम उस स्टेज के लिए तैयार हों। बिल्कुल संगीता जी, आपने बिल्कुल यहाँ पर भी तो देखो यही बात आई है ना, अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा ही तो होगा ना। हम माला जो भी जपेंगे, मंत्र जाप का भी अभ्यास होगा, आपका जो निरंतर अभ्यास होगा तब आपके वो मन में चलेगा। पहले तो हाथ से, अब ध्यान में भी है, पहले ध्यान तो धीरे धीरे ही लगता है। अगर आप पहले ही दिन अगर कहें कि मैं बिल्कुल ही ध्यान में शून्यता प्राप्त कर लूं, ऐसा हो नहीं सकता है ना। ध्यान में भी कोई भी, और भगवान ने देखो, हमने पहले भी ये पढ़ा था, एक श्लोक में आया था ना कि ये नहीं है कि तुम मुझे ही, सारे जो भी देवी देवता है वो भी मेरा ही, क्योंकि परा और अपरा, अगर हम परा और अपरा को समझ लेंगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो जो कुछ बनाया गया है वो भी तो भगवान का ही है ना, वो भी परब्रह्म से ही आया है ना। तो आप जिस भी रूप में उसको याद करते हैं तो आप उसी को प्राप्त होंगे, चाहे आप किसी भी जप या मंत्र के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं तब भी उसी को प्राप्त होंगे, है तो वो भी उसी का ही ना, है ना। तो अभ्यास तो आप जिसका भी अभ्यास करेंगे, आपको ये तो है नहीं कि कोई संसारिक उसका अभ्यास करे, आप मंत्र के द्वारा उस पर ब्रह्म को ही, तो उसके किसी रूप को ही तो याद कर रहे हैं ना, किसी भी इष्ट देवता के रूप को याद कर रहे हैं। तो याद वास्तव में उसी को, तथ्य में तो वही है ना, उसकी जड़ में जो मूल में तो वो पर ब्रह्म निराकार ही है ना, तो उसको याद करें, आप किसी भी रूप में उसको याद करें। पर यही बात है, वो यहाँ पर भी आई है कि अभ्यास के द्वारा ही ये संभव होगा, बिल्कुल, और कोई इसका वो नहीं है। आप अगर ये कहें कि मैं अभ्यास तो आपने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया कि अंतकाल में जी आएगा तो मैं कर लूंगा, तो अंतकाल कब है? नहीं, पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। और फिर योगियों की बात देखो इसमें आई है कि योगी जो है उनको अंतकाल पता है अपना,
क्योंकि वो अपना योग के बल के द्वारा, उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने उन्होंने प्राणों को स्थिर करने की उनको युक्ति है, तो वो अपना कर लेते हैं कि हमको इस समय इतने बज के इतने बजे तक हमको इस दिन हमको प्राणों को हमको छोड़ना है, पर वो योग के बल के द्वारा होगा, है ना। जो आम जैसे हम लोग हैं, हम लोग अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हमको तो अभ्यास के द्वारा ही हमको होगा किसी भी चीज का अभ्यास। वैसे भी देखो हम लाइफ में भी देखते हैं, हम किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं उसको हम बिल्कुल, वो हमारे लिए एफर्ट नहीं रह जाता। हम कार चलाना सीखते हैं, स्कूटी चलाना, स्कूटर जो भी सीखते हैं, हम पहले पहले कितने कॉन्शियसली चलाते हैं, इधर ना लगे इधर ना लगे, लेकिन बाद में क्या होता है, हम बातें भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, कार अपने आप ही चल रही है, ऐसे ही लगता है। इसी तरह बिल्कुल मंत्र जाप या जो भी है वो बिल्कुल फिर एफर्ट, आपको उसको एफर्ट नहीं लगाना है, फिर तो आपका वो अभ्यास के द्वारा इतना स्थिर हो जाता है। हाँ। जिसको कहते हैं हृदय में स्थिर हो गया ना, वो तो आप कोई काम भी कर रहे हो कुछ भी आपका अंदर चल रहा है, तो यही तो हमको सीखना है, यही यहाँ पर इसने बताया कि अंतकाल में, अंतकाल में कैसे होगा, यही तो उन्होंने बताया कि अभ्यास के द्वारा होगा। जितना जिसका अभ्यास है, जितना अब जैसे संत ऋषि महर्षि जिनका भी, उनका इतना अभ्यास होता है कि वो बोलते भी हैं तब भी वो उनका अंदर वो उससे ही जुड़े हुए हैं। मेन बात क्या है कि हमको उससे जुड़ना है, कैसे भी जुड़ो, है ना, मूल चेतना से हमको जुड़ना है, चाहे आप मत जाप के द्वारा जुड़े चाहे ध्यान के द्वारा। ध्यान को इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा हम अंतर्मुखी जल्दी होते, जल्दी हो जाते, अंदर की तरफ हम जल्दी होते थे, क्यों, क्योंकि हम देखो हम आंखों को बंद कर लिया, हम इंद्रियों से अंदर की तरफ जुड़ गए। अब आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर जाप चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां बाहर, बिल्कुल है ना, थोड़ा सा। तो ध्यान में जब हम उतरते हैं तो बिल्कुल ही हम अंतर्मुखी हो जाते हैं ना, तो उस द्वारा हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, बस इतना ही है, प्राप्त तो उसी को करना है, लक्ष्य तो वही है, वही है। अच्छा इंदु जी, अच्छा इंदु जी ये भी मैंने पूछना था, जैसे मैंने आपको बोला कि मंत्र जाप की स्टेज इतनी ज्यादा हो गई कि अंदर अपने आप चलता रहता है, तो ऐसे में जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अपने लिए, जैसे कहते हैं ना कि मंत्र जाप में ऊर्जा भी खर्च होती है, भाई आपका ध्यान डाइवर्ट तो हो ही रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, माइंड भी चल रहा है, और मेडिटेशन में तो ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, आपका कोई विचार नहीं आना चाहिए, तो ऐसे में मुझे अपने मंत्र जाप को मतलब अवॉइड करते हुए सांसों में ध्यान देने में बड़ा मतलब टाइम लगता है। नहीं नहीं, आप देखो मंत्र जाप अगर कर रहे हो आपका एफर्ट थोड़ी लग रहा है उसमें, जब आपका अभ्यास इतना हो गया आपकी कोई एनर्जी नहीं हो लग रही उसमें, आप कॉन्शियसली तो नहीं ले रहे ना, जब हम कॉन्शियसली किसी चीज को लेते हैं तब हमारी एनर्जी लगती है, जब हम सबकॉन्शियसली कुछ भी कर रहे हैं अंदर ही अपना आप है तो आपके दिन। और ध्यान में तो क्या है, ध्यान में तो हमारा अपने आप ही जब शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं सब कुछ ही छूट जाता है, हमको अपने शरीर का अपना कुछ भी नहीं मिलता है उस समय, तो मंत्र जाप भी अपना आपके अपने आप ही छूट जाता है, बिकॉज वो तो शून्यता की स्थिति है ना, समाधि की स्थिति है। समाधि की स्थिति में तो कुछ भी नहीं, आपको ना समय का पता चलता है, ना आपको शरीर का पता चलता है, ना आप कहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं पता चलता उस समय। स्वतः ही आप अगर होगा ना, अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मंत्र जाप कब रुका और कब वो फिर दोबारा शुरू हुआ। तो यानी कि अभी वो स्टेज अभी 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 वो स्टेज आई नहीं ना, नींद में आप मंत्र करते करते नींद में सोए, सो जाते हैं, सो गए, तो आपको आपको ऐसे लग रहा है कि आप उस समय तो बिल्कुल, अगर आप बहुत गहरी नींद में है तो अपने आप से हट जाता है ना, अपने आप अंदर चल रहा है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, पर लेकिन आपको तो नहीं पता है ना, तो आप बिल्कुल नींद की गहरी है, ऐसे ही ध्यान है। जब ध्यान में भी जब आप बहुत गहरी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आपको कुछ भी मंत्र चलता रहेगा, चाहे सब कॉन्शियसली आपके चल रहे, लेकिन आपको अंदर ऐसे नहीं पता चलेगा। और ये अभ्यास के द्वारा ही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने पूछा, मैंने प्रयास किया। नहीं नहीं, बहुत सही सही आंसर, मैं खुद कंफ्यूज थी कि मंत्र जाप से कैसे अपने आप को अवॉइड करूं और कैसे मेडिटेशन में ध्यान दूं। नहीं है अवॉइड करने से, तो आप तो देखो हम कहते नहीं विचार विचार आ रहे हैं आने दो चले जाएंगे, अगर ऐसे ही हम विचारों को भी अगर हम बहुत कॉन्शियसली उनको अवॉइड करेंगे, देखो आप विचार जाएंगे ही नहीं, और आ जाएंगे, वो चला जाएगा, कोई दूसरा विचार आ जाएगा, तो ऐसे नहीं, हमको वो करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप होने दो। ध्यान हम करते नहीं है, ध्यान में हम उतरते हैं, ध्यान करने की चीज नहीं है उसमें, तो एफर्टलेस होना है, हमको रिलैक्स होना है, जितना मर्जी सब कुछ छोड़ना ही है, छोड़ने का नाम ही ध्यान है, अंदर उतरने का नाम।
और मैम समय तो बहुत लगता है, टाइम तो बहुत लगता है, जो आप जैसे आप बता रहे हो मंत्र जाप से, आप चाहते हो कि आप मंत्र जाप से प्योरली ध्यान में आओ, तो वो जो बीच का टाइम होता है वो एक नाव से दूसरे नाव में, वो समय तो बहुत लगता है। मतलब जैसे JTTP में भी लोगों के एक्सपीरियंस से सुने तो वो बहुत धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। ध्यान में भी उतरना, ध्यान में भी अच्छे होना, सब कुछ बहुत धीरे धीरे प्रोसेसेस है ये सब। तो उसी में तो अभ्यास की बात आती है सिर्फ ना, अभ्यास इम्पोर्टेंट है, बाकी सब। ये सब जगह तो यही आ रहा है कि अभ्यास करो आप। हम यही तो कहते हैं ना कि ध्यान बढ़ाओ। ध्यान बढ़ाने का मतलब क्या है कि अभ्यास जितना ज्यादा हम करेंगे। बस आपका चैतन्य होना जरूरी है कि आपको ये चीज, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जब मंत्र जाप कर रहे हो तब क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी चेतना का कितना विस्तार हो रहा है, और जब आप ध्यान कर रहे हो तब आपकी चेतना का कितना विस्तार हो रहा है, ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ कि आपको कितने घंटे ध्यान करना है, कितने घंटे मंत्र जाप करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है या दोनों करने हैं। आप खुद से अपना डिसीजन ले पाओ, उसके लिए बस ये अवेयर रहना जरूरी है कि आपको मंत्र जाप से कैसा फील हो रहा है, कहाँ तक पहुंच पा रहे हो, और ध्यान से कहाँ तक पहुंच पा रहे हो, फिर आपका इंट्यूशन अपने आप ही आपको गाइड करेगा कि बिल्कुल कब क्या करना है। बिल्कुल। चलो और किसी का यू कोई मैम, प्रश्न? थैंक यू। थैंक यू। लेते हैं नहीं? तभी समय जी ये बोला गया ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। बिल्कुल बिल्कुल, यही दोहा इसपे इसीलिए बनाया गया है कि इसीलिए तो करत मैंने करत वीडियो अभ्यास बनाया। जड़ मत हो सुजान। तभी हमें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अंदर अपने आप शांत होता जाएगा। संगीता जी को आंसर मिल ही गया, वैसे बात बिल्कुल ठीक है। हमारा जब ध्यान में रुचि बढ़ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप दूसरी चीजें हटती छूटती चली जाएंगी, जाएंगी, पर होगा स्लो स्लो। अपने आप सहजता से, बट सहजता से, सहज सबूरी बहुत चने जरूरी। चने 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 होगा ये धीरे चने धीरे। चने चने। हाँ जी, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। लव यू, बाय बाय। राधे राधे सबको, बाय बाय। बाय बाय मैम, थैंक यू।